पंजाब की राजनीति के भीषम पितामह कहे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल आज सिरसा में आए, लेकिन उनकी जो बातचीत थी वो इस तरह थी कि जैसे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस मोड में प्रकाश सिंह बादल क्यों आ गए हैं, ये उनकी राजनीतिक चतुराई का ही एक हिस्सा है। वो हरियाणा में थे, लेकिन उन्होंने न तो इनेलो के बारे में कुछ कहा, न ही जननायक जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि भाजपा से उनका पुराना संबंध है और मैं केवल इतना ही कहूंगा, बाकी सवालों से वो बचते ही नजर आए। बादल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, मैं किसी के ना के खिलाफ बोलता हूं ना जी, ना हक च बोलता। ये ठीक है कि साडा बीजेपी नाल बड़ा पुराना ते पक्का रिश्ता, बस इतना कम है। नहीं, मैं नहीं पता शोभी प्रेजिडेंट कोर कमेटी फैसले कर लिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। इधर के लोग तो बहुत चाहते हैं और लोग उम्मीदा लाके बैठे। देखो ये शोभी या कोर कमेटी अकाली दल की ओर से, मैं ये जो इलेक्शन अनाउंस होंगे उदो फैसले सारे होंगे, हूँ मैं कुछ नहीं कह सकता।